अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सो टॉकिंग अबाउट सर्वेइंग सर्वेइंग का प्रोसीजर जो है वो हमारे पास हमारी प्रोसेदान्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है क्योंकि एक रिमूवेबल पार्शियल डेंचर को लगाने से पहले पूरे ओरल स्ट्रक्चर्स का जो सर्वे है वो करना ज़रूरी है ताकि आप आ, की जब ए, क्लाइंस जो है वो लगे यानी आपका जब रिमूवर पार्शल एन आपके प्रोसेसिस इन द माउथ लगे तो वो कुछ डैमेज ना करे या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो सो दैट्स वाई सर्वेइंग इज इम्पोर्टेंट नाव वट इज सर्वेइंग एनालिसिस एंड कंपेरिजन ऑफ प्रामनेंस ऑफ इंट्रा औरल कंट्रोल एसोसिएटेड विद द फेब्रिकेशन ऑफ आर प्रोसेसिस नाव कि जब भी सर्वे का मतलब क्या होता है अगर हम सर्वेइंग को ना भी देखें वट इज़ द जनरल वर्ड सर्वे मीन्स कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना जैसे इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाई अ हाउस समवेयर एंड यू आर फर्स्ट सर्वेइंग के आप एरिया देखेंगे और वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो जो सराउंडिंग होगी सारी उसको ऑब्जर्व करेंगे सर्वे करेंगे इन द सेम मैनर जब हमने माउथ के अंदर एक रिमूवल पार्शल लेंचर एक प्रोसेस देना है तो हम पहले माउथ का सर्वे करेंगे कि आया यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल इन्वायरमेंट फेवरेबल स्ट्रक्चर प्रजेंट हैं या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बाद में हमारे पार्शल डेंचर को इनडर करेगी या कोई फंस ना जाए कहीं या रिमूवेबल पार्शल लेंचर फिक्सड में चेंज ना हो जाए तो दैट्स वाई सर्वेइंग इज परफॉर्म्ड नाउ सर्वेइंग इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड अ सर्वेयर वट इज़ अ सर्वेयर एन इंस्ट्रूमेंट दट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिमूवेबल पार्शल लेंचर एंड टू लुकेट एंड डिलीनेटेड द कॉन्टोर्स एंड द पोजिशन ऑफ अटमेंट टूथ एंड एंडोसिएट स्ट्रक्चर नाउ इन जनरल हम माउथ में क्या करते हैं इफ आई एम ड्राॅइंग एन आर्च हेयर सो मोस्टली आर्ज के अंदर जो मोस्ट पुस्टीरियर मोस्ट पुस्टीरियर टीज होता है हमारा वो हमारा मोस्टली अबटमेंट टूथ होता है सो so, यहाँ से हम सपोर्ट लेते हैं अब हमने देखना है कि हमारे पास जो अबटमेंट टूथ है उसका जो हाइट ऑफ कॉन्टोर है वो कैसा है ना इन दिस इफ यू आर ड्राई ड्रा अ लाइन यहाँ पर जो मैक्मम कन्वेक्सिटी है दिस इज योर हाइट ऑफ कॉन्टोर और जहाँ पर ये जो एरिया आपके पास रिमेनिंग बचा है दिस दिस इज़ योर अंडर कट और इंफ्रा बल्ज ठीक है ये ऊपर वाला आपका सुपरा बाल्ज हो जाता है और ये हाइट ऑफ कंट्रोल और मैक्सिमम कन्वेक्सिटी वाला एरिया होता है और ये जो नीचे रह जाता है दैट इज़ योर अंडरकट तो इस तरह के अंडरकट्स हमने देखने हैं कि हमारे पास फेवरेबल वाला अंडरकट कौन सा होगा और अनफेवरेबल वाला क्योंकि जो अनफेवरेबल होगा वहाँ पर फूड ब्लॉक होता रहेगा और वहाँ पर फिर फर्दर जो है एप्स वगैरह या इस तरह की कोई भी फर्दल कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी रिमूबल पार्चल लेंचर को लगाने के बाद सो so उस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और कहीं हमारा प्रोसेस यहाँ पर फंस ना जाए स्पेस में कट में सो so उसे बचने के लिए हम सर्वेयर को यूज़ करते हैं ताकि हम पहले से ही जो भी हमारे पास अबटमेंट टूथ है उनकी पोजिशन को और अदर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज़ उनके कॉन्टोर्स को पहले से ही जो है वो मैर कर लें और इस ताकि हमारे आगे कॉम्प्लिकेशन को हम बचा सकें न हो अब हम ऑब्जेक्टि क्या होते हैं हम सर्विंग करते है. क्यों है पहली बात कॉम्पनेंट्स की जो पोजिशनिंग होती है अगर वो करेक्ट होगी तभी रिटेंशन होगी यानी जितने भी रिमूवल पार्शल लेंचर के जो कॉम्पनेंट्स हैं वो सही तरह अपनी जगह पर पोजिशन होंगे तो ही हमें वो रिटेंशन प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर और अदर पाथ ऑफ इंथर्शन अब मैं आपको बताती हूँ कि वट इज़ द पाथ ऑफ इंथर्शन इफ़ दिस इज़ ठीक है ये आपके पास टीथ है और यहाँ पे एक टीथ है ठीक है और ये बीच में एक लंचल स्पेस है जहाँ पे आपने अपना पार्शियल लंचर लगाना है ठीक है तो यहाँ से जो आपने लाइन ड्रॉ की है लाइन ऑफ पैरलिजम्स और यहाँ से जो लाइन ऑफ पैरेललिज्म ड्रॉ की इनके दरमियान में ये जो पाथ सारा बना है ठीक है ये आपका पाथ ऑफ इंसर्शन है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट ऑलवेज़ बी स्ट्रेट इट कैन बी कर्व्ड या कभी कभी आपका अगर दांत इस तरह से टिल्टिंग हुई हो तो तब भी हमें फिर पहले उसको वहाँ से अंडरकट को ब्लॉक करके या हमें क्राउन ब्रिज दे के यहाँ डिफरेंट प्रोसीजर्स को करके पहले पाथ ऑफ इंसर्शन को डिफाइन करना पड़ता है फिर उसके बाद हम अपना रिमूवल पार्शल लंचर वहाँ पर लगाते हैं सो पाथ ऑफ़ इंसर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पहले से ही पाथ ऑफ इंसर्शन हमारा स्मूथ हो जाएगा पहले से हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें हिंड्रेंस नहीं आएगी कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी रिमूवल पार्शल टेंचर को अप्लाई करते हुए हाइट ऑफ कॉन्टोर जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं मैक्सिमम कन्वेक्सिटी जो अबव अंडरकट होती है वो पता चलनी चाहिए हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज दोनों की मार्क द सर्वे लाइन अब सर्वे लाइन्स क्या होती है जो टूथ की हाइट ऑफ कंटोर होती है वहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होती है ये वाली लाइन दिस इज योर जो सर्वे लाइन होगी जो हाइट ऑफ कंटोर ऑफ टूथ पे हम ड्रॉ करेंगे बाकी जो सॉफ्ट टीज़ आटिश पे हम कर रहे होते हैं डिफरेंट वो हमारी जो है वो हमारे पास उसको हम सर्वे लाइन नहीं कहते हम अपने टूथ वाले एरिया वाले जो हमारे पास हाइट ऑफ कंटूर होगी उसको हम सर्वे लाइन कहेंगे और जो अनडिज़ायरेबल अंडरकट्स हैं उनको ब्लॉकेज करना ताकि वो हमारी फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन ना करें सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द सर्वेइंग नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग सो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग वी हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सर्वेयर्स नेस सर्वेयर विल सरवेयर एंड विलियम्स सरवेर द मोस्टली यूज एंड द मोस्टली यू कैन से प्रिसाइज एंड द ओल्ड वन इज न सरवेयर क्योंकि इसके अंदर जो आप अभी हम देखेंगे पार्ट्स के अंदर कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें वन इज हॉरिजोटल आर्म एना वर्टिकल आर्म एंड सर्वेंग आर्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ देर पार्ट्स सो वहाँ पर फिक्स्ड एक हम देखेंगे कि हमारे पास जब फिक्सड की बात करेंगे तो वो नेसर वेयर वाला होगा और उसके अंदर वर्टिकल आर्म जो है वो स्प्रिंग लोडेड होगा और जो अंडरकट गोज होगा जो अंडरकट की डेप्थ को बताएगा वो हमारे पास फैन शेप्ड होगा और कार्बन मार्कर जिससे हम मार्क करेंगे तमाम टूथ की जो हाइट ऑफ कॉन्टोर्स हैं वो फैन शेप्ड और वह हमारे पास कार्बन मार्कर से हम उसको मार्क करते हैं इन द केस ऑफ़ विल्स में नोबल जी विल्स ने उसको नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में इसको हमें बताया था कि व्हील सर्वेयर का नाम जब उसको मिला उसको उसने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आम जो है वो रोटेटिंग होगी नहीं इसमें हम कहते थे कि ये फिक्स्ड होती है हॉरिजॉन्टल आम इन द केस ऑफ व्हील सर्वेयर इज रोटेटिंग और जबकि वर्टिकल आम हमारे पास यहाँ पे अभी नहीं बताई स्प्रिंग आर्म जो हमारे पास स्प्रिंग लोडेड कौन सी होगी सर्वेइंग आर्म अभी हम इसके डायग्राम में भी देखेंगे कि सर्विंग आर्म क्या है वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है इन दो केस ऑफ मेडियम जो टेबल है जो हमारा जो टेबल होगा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर हमारा फिर कास्ट होगी वो फिक्स्ड होगी और उससे हम सारा करेंगे तो वो हमारी यहाँ पे एडजस्टेबल है और उसको हम किसी भी तरह की डायरेक्शन में टिल्ट कर सकते हैं यानी टिल्टिंग कैन बी मेड पॉसिबल इन एंटीरियर पोस्टीरियर और अलेटरल डायरेक्शन सेंटर ऑफ जो रोटेशन है वो हमारा हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और हमारे पास यहाँ पे जॉइंटेड आर्म होगी और यहाँ पे जो हमारे पास सर्वे रोड होगी वो स्प्रिंग सपोर्टेड होगी तो ये जो है तीन मेन टाइप्स ऑफ सर्वेयर है नेज विल्स एंड विलियम्स सो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल आर्म एंड अ रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल आर्म एंड द टेबल कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ सर्वेयर पार्ट्स ऑफ सर्वेयर एज यू कैन सी दिस इज़ योर वर्टिकल आर्म दिस आई एम मेकिंग एन एरो हेयर दिस इज़ योर वर्टिकल आर्म दिस कलर्ड पार्ट इज़ योर हॉरिजॉन्टल आर्म

सो सर्वेइंग टूल्स में अंडरकट गॉज है जो कि अंडरकट की डेप्थ को मैयर करता है काबा मार्कर जिसे हम मार्किंग करते हैं तमाम हाइट ऑफ कॉन्ट्रोल की अराउंड द टूथ अनालजिंग रॉड हम यहाँ पे जो प्लेस करते हैं जो हमारी अंडरकट under, uh, को हमें uh, के जो है उसको आइडेंटिफाई करने में जो स्पेस है हेल्प करता है और वैक्स नाइफ है कि जब वैक्स है हमने उसको फिल करना है अंडरकट को तो एक्स्ट्रा जो वैक्स है उसको रिमूव करने के लिए हम अपना वैक्स नाइफ़ यूज़ करते हैं सो so, ये हो गया हमारा यहाँ पे ये यह जो सर्कल एरिया है दैट इज़ योर सर्विंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हमारा ये टेबल पड़ा हुआ है दिस इज़ योर सर्विंग टेबल ठीक है और यहाँ हम इसको कास्ट हो वो भी कहते हैं होल्डर भी कहते हैं और इस कास्ट होल्डर का के यहाँ पे हमारे पास वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं हमने कास्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना है सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हम इसको किसी भी तरह की डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं सो दिस इज़ योर डिस्क्रिप्शन वेरी लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट the parts of survey and inshallah we will discuss them in a separate video so till then take care of yourself and if you have any confusion you can ask me in the comment section and show your love by commenting and by also subscribing my channel take care bye bye